और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के एमएलसी आरणी भाई संजय लाठर जी, इस मंच पर उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे तमाम सम्मानित नेतागण और हरियाणा के कोने कोने से पधारे हमारे छात्र नौजवान साथियों, आज के शानदार मौके पर मैं इनसो के अपने तमाम पदाधिकारियों को, साथ ही दिग्विजय जी को, भाई दुष्यंत चौटाला जी को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस संगठन के गठन के लिए। हरियाणा के नौजवान साथियों, ये हिंदुस्तान के इतिहास की सच्चाई है। चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो, चाहे इमरजेंसी के समय का सवाल रहा हो, हिंदुस्तान के अंदर अगर क्रांति कोई लाया है तो हमारे छात्र नौजवानों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आज हिंदुस्तान की राजनीति की अगर बात करो तो देश के अंदर जितने बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, अगर उन सबसे ज्यादा योगदान है तो छात्र संघ से निकले हुए छात्र नेताओं का योगदान है देश की राजनीति में। राष्ट्र के निर्माण के अंदर छात्र संघ एक ऐसी नर्सरी है, एक ऐसी पौधशाला है जहां के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की एक प्रेरणा, राष्ट्र को नेतृत्व देने की एक प्रेरणा मैं समझता हूं छात्र नौजवानों के बीच, आपके बीच से निकलती है। यह हरियाणा की सरकार जो छात्र संघों पर ताला डाल रही है, भाई दिग्विजय जी और दुष्यंत जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस संघर्ष को जारी रखना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जब छात्र लोग आंदोलन पर निकलेंगे तो सरकारों को न झुकना पड़ जाए। हरियाणा के नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश में भी एक बार ऐसा ही दौर आया था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश के छात्र संघों पर ताला डालने का काम वहां की सरकार ने किया था। और ये याद रखना साथियों, जो जो सरकारें अकर्मण्य होती हैं, जो सरकारें जनता की ईमानदारी से सेवा नहीं करती हैं, जो सरकारों की नीतियां गलत होती हैं, वो हमेशा छात्र संघों से डरा करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी नौबत आई थी, लेकिन हम इस मंच से माध्यम से अपने हरियाणा के नौजवानों को कहना चाहते हैं, आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो स्वयं में चौधरी देवीलाल जी के साथी रहे, जिन्होंने अपने चौधरी देवीलाल जी को अपना नेता माना, ऐसे आदरणीय नेताजी जो स्वयं छात्र संघ की राजनीति से निकले, स्वयं इमरजेंसी की जेल काट के निकले, उन्होंने कहा था हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इकट्ठा करो और छात्र संघ की लड़ाई समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। मैं ऐसी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल के अपने साथियों को, इस नौजवानों की लड़ाई को मजबूती से लड़ लेना। यही कारण है साथियों, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण जी की वो संपूर्ण क्रांति, जिस संपूर्ण क्रांति के माध्यम से आदरणीय लालू यादव जी जैसे नेता इस देश को मिले हैं, संपूर्ण क्रांति की बदौलत मिले। लालू जी भी छात्र संघ की राजनीति, अगर पटना छात्र संघ की राजनीति ना किए होते तो शायद देश में आज उनका इतना बड़ा नाम न होता। आदरणीय नेताजी छात्र संघ की राजनीति से निकले थे और उन्होंने इतना बड़ा देश के अंदर एक आंदोलन किया है। इसलिए मैं अपने इंटरनेशनल लोकदल के नौजवान साथियों से अपील करूंगा, ये सरकारें चाहे जितना प्रयास कर लें, चाहे जितना झुकाने की कोशिश कर लें, नौजवान साथियों कमजोर न पड़ना वो दिन दूर नहीं है जब सरकारों को आपके आगे झुकना पड़ेगा। इसलिए मैं नौजवान साथियों, ये उत्तर प्रदेश हरियाणा और ये हिंदुस्तान की सरकार, वो सरकार जिस सरकार ने 2014 के चुनाव में कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज भारतीय जनता पार्टी वालों से नौजवान साथियों पूछो कहां गए हमारे रोजगार। रोजगार के नाम पर मोदी जी और खट्टर साहब हरियाणा के नौजवानों को अगर आप पकौड़ा बेचने की राजे, बताओ नौजवान साथियों भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है। आज देश का नौजवान परेशान है, हरियाणा सहित पूरे हिंदुस्तान का किसान परेशान है, बुनकर परेशान है, व्यापारी परेशान है। इसलिए मैं इंडियन नेशनल लोकदल के जो हमारे पुराने समाजवादी लोग हैं, जो पुराने लोकदली लोग हैं, अपने ऐसे साथियों का मैं आह्वान करने आया हूं कि इस संघर्ष को जारी रखना, वो दिन दूर नहीं जब आने वाले समय में चौधरी देवीलाल जी का सपना एक बार फिर साकार करोगे आप सब लोग मिलकर। इसलिए आज इस मौके पर आपने हमें बुलाया, आपने मौका दिया, आदरणीय नेता अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से
जिन्होंने नौजवानों के रोजगार का, नौजवानों को लैपटॉप का, तमाम नौजवानों की नीतियां चला के जो काम किया है, मैं लोक दल के साथियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी जो बहुत जो टॉपर है हमारी बहनें, उन बहनों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी लैपटॉप बांटने का काम किया है। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और अपने नेता की ओर से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हरियाणा के लोगों के हर संघर्ष में, हरियाणा के लोगों की हर लड़ाई में हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े हैं। यह आपको भरोसा दिलाते हुए फिर से एक बार अपने भाई दुष्यंत को, भाई दिग्विजय जी को, आदरणीय अभय चौटाला जी को, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।